नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ स्टडी कर पर। मध्य प्रदेश के जो समान ज्ञान की सीरीज है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने छिंदवाड़ा जिले के बारे में अध्ययन किया, इस वीडियो में हम सिवनी जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके एमपी जीके की सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम जानेंगे सिवनी जिले के बारे में। सिवनी जिला जो कि मध्य प्रदेश में एक लखनऊ और मध्य प्रदेश जो लखनऊ स्थित है यूपी में, मध्य प्रदेश का लखनऊ माना जाता है। और ये जो जिला है ये अपने खास कुछ दार्शनिक स्थल, कुछ स्मारक और विशिष्ट कारणों के लिए जाना जाता है। हम इस वीडियो पे इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन करेंगे। सिवनी जिले इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956। दोस्तों, सिवनी जिले का जो नाम सिवनी पड़ा, इसके पीछे कारण है वहां पर सीओना नाम का वृक्ष पाया जाता है, जो बहुत ही अधिकता में पाया जाता है, बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। तो सीओना वृक्ष की अधिकता के कारण इस जिले का नाम सिवनी पड़ा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिवनी जिले के मध्य से NH7 गुजरती है, नेशनल हाईवे 7 गुजरती है। NH7 सिवनी जिले के मध्य से ही निकलती है। यहां की बात करें हम तो जो सेक्स रेशियो है, जो लिंग अनुपात है, वो बहुत ही ज्यादा है। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 है और सिवनी जिले का जो लिंग अनुपात है वो 982 है, 982 है। दोस्तों, यहां की जनसंख्या घनत्व की बात करें हम, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति का निवास स्थान है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 157 व्यक्ति निवास करते हैं। तो 157 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं, वह उसका जनसंख्या घनत्व कहलाती है। बहुत सारे उपनाम हैं जो सिवनी जिले को अलग करते हैं मध्य प्रदेश के बाकी जिलों से। मध्य प्रदेश का ये स्विट्जरलैंड कहा जाता है अपनी एक सुंदरता के लिए। जैसे आपको पता है, दुनिया का एक बहुत सुंदर देश माना जाता है स्विट्जरलैंड, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है सिवनी जिला, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। मध्य प्रदेश का ये मोगली लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो जंगल वन संपदा है बहुत ही, आप देखेंगे हर तरफ एक हरियाली है, एक घनत्व है, जो वनों का घनत्व है बहुत ज्यादा, जो फॉरेस्ट डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो इसे कहा जाता है मोगली लैंड। और एक बहुत फेमस राइटर हैं और उनका मैं नाम बताना चाहूंगा, रुडयार्ड किपलिंग ने, यहाँ पे देखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी है, द जंगल बुक। और वो जंगल बुक जो है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जंगल बुक सिवनी जिले के बारे में एक संपूर्ण विश्लेषण की व्याख्या करती है। तो रुडयार्ड किपलिंग को इसके लिए इनको नोबल विजेता भी घोषित किया गया था। तो ये नोबल विजेता रुडयार्ड किपलिंग की कर्म स्थली भी माना जाता है, इसलिए इसका जो नामकरण किया गया मोगली लैंड, ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा ही किया गया है। तो आपने अभी सिवनी जिले के पहला नाम उपनाम जाना और उसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड और दूसरा मध्य प्रदेश का मोगली लैंड। मध्य प्रदेश का ये लखनऊ भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत की चर्चा में, जब मैंने सिवनी जिले का परिचय दिया, तभी मैंने आपको बता दिया था कि मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी जिले को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं साक्षरता दर की, तो यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो है
72.2%। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 13,89,131, 13,79,131। इस जिले की जो आकृति है, जो आकार है, एक विशेष आकार सिवनी जिले का है और इसका आकार समुद्री घोड़े जैसा है। अगर आप इस जिले को देखेंगे मैप में, नक्शे में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि एकदम समुद्री घोड़े जैसा ये दिखता है। तो ये आकार में समुद्री घोड़े जैसा दिखता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, सिवनी जिले के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये 8 तहसीलों से मिलकर बनता है। जो 8 तहसीलें हैं वो क्रमवार इस प्रकार हैं। पहली तहसील है बरघाट, दूसरी तहसील का नाम है छपारा, तीसरी तहसील का नाम है घनौरा, चौथी तहसील है धसौर, पांचवी तहसील है सिवनी, छठवीं तहसील है केवलारी, सातवीं तहसील है कुरई और आठवीं तहसील है लखनादौन। मैं आपको बताऊं, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, पूरे भारत में अगर आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। और यहां पर जो सिवनी जिला है, यहां पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर के संरक्षण के लिए यहां पे टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, तो पेंच टाइगर सेंचुरी प्रोजेक्ट। और यहां पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1975 में एस्टेब्लिश किया गया। तो दोस्तों, अभी तक हमने सिवनी जिले के गठन के बारे में बात की, हमने देखा कि सिवनी जिले का नामकरण किस आधार पर किया गया, सिवनी जिले से संबंधित हमने कुछ आंकड़े जाने, जनसंख्या कितनी है, लिंग अनुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है, क्या उपनाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सवाल आता है, सिवनी जिले में एक जंगल सत्याग्रह हुआ था 1931 में, 1931 में जंगल सत्याग्रह हुआ टूरिया नामक स्थान पर। काफी फेमस सत्याग्रह था ये। सत्याग्रह नमक सत्याग्रह के समकालीन है। जो नमक सत्याग्रह था और जंगल सत्याग्रह, आप इसे एक दूसरे को आपस में संबंधित मान सकते हैं। नमक सत्याग्रह, नमक के उत्पादन, नमक के जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था इसलिए किया गया था, और जंगल सत्याग्रह इसलिए किया गया था, ये ब्रिटिश की जो कुनीति है, ब्रिटिश की जो बहुत सारी नीतियां थी, ब्रिटिश के अगेंस्ट ये जंगल सत्याग्रह चलाया गया था। यहाँ के आदिवासी मिलकर के जंगल में जो घास थी उसको उन्होंने काटना शुरू कर दिया था अपने विरोध को प्रदर्शित करने के लिए। तो यदि सवाल उठे, अभी प्रारंभिक परीक्षा या फिर MPPS, MPSI या पुलिस कांस्टेबल, कोई भी जो वेपन संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, अगर उसमें सवाल पूछा जाए जंगल सत्याग्रह क्यों बनाया गया था, तो ये आदिवासियों द्वारा बनाया गया ताकि वे ब्रिटिश के विपरीत जो उनकी कुनीति है, जो कुरीति थी, जो बहुत सारी उनकी गलत पॉलिसीज थी, उसकी अगेंस्ट ये बनाया गया। और उन्होंने अपना जो प्रदर्शन है विरोध का, वो जंगल के घासों को काट करके दिखाया था, प्रदर्शित किया था। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बहुत सारे फोर्ट्स हैं, बहुत सारे किले हैं, उन किलों के नाम के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर किला है सीता बुलंदी किला, अगला किला है काउंसिल किला, तीसरा किला है ऑल सेंट कैथेड्रल, चौथा किला है भोसले वंश की छतारिया। तो ये चार किले अगर पूछे जा सकते हैं तो आप अपने नोट्स में से
नोट कर लें। यहां पर सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे संबंधित सबसे बड़ा कारखाना है। आपको एक जानकारी और विशेषकर सिवनी जिले के बारे में यह है कि पहला मेडिकल कॉलेज जो पीपीपी मॉडल पर बनाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये एक प्राइवेट और पब्लिक के दोनों के, सरकार और पब्लिक के दोनों के मदद से बनाया गया है, इसीलिए पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो की गई और बनाया गया वो सिवनी जिले पे। यहां पर एक बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है, तो प्रथम प्रदेश का पहला मिट्टी बांध, और इसका नाम है भीमगढ़। देखिए सिवनी जिले की एक तहसील है छपारा, और छपारा में गोंड राजा राम सिंह की गढ़ी स्थापित की गई है। यहां पर एक विशेष जानकारी यह है कि क्वेश्चन पूछा भी जा चुका था एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, बेनगंगा का उद्गम कहां से होता है, तो आप ये कह सकते हैं बेनगंगा का उद्गम मुंदारा से होता है। लखनादौन शहर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसका नाम लखनादौन किस आधार पर पड़ा? लखनादौन शहर लखन कुंवर ने बसाया था। तो अगर बात करें लखनादौन शहर किसने बसाया था, लखनादौन शहर लखन कुंवर ने बसाया था। ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक विशेष प्रकार का चावल का किस्म है, और उस चावल का नाम है काली मूंच, के लिए काफी प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ मावा वाटी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बहुत सारे प्रश्न मेलों से संबंधित होते हैं, तो मैं कुछ मेलों का एक संकलन किया हूं, और उस पर हम देखते हैं कौन कौन से मेले यहाँ पे लगते हैं। पहला मेला है साढ़ देव मेला, दूसरा मेला है भैरोनाथ मेला, तीसरा मेला है सिद्ध बाबा मेला, और चौथा मेला है रिझारिया देव मेला। यहां दल सागर तालाब है जो सिवनी का सौंदर्य माना जाता है, बहुत ही सुंदर है, आप गूगल करके देखेंगे दल सागर तालाब सिवनी का सौंदर्य का एक बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल माना जाता है। दार्शनिक स्थल के बारे में हमने बात की है, तो कुछ दार्शनिक स्थल के बारे में जान लेते हैं जो बहुत फेमस है। दार्शनिक स्थल है माँ वैष्णो देवी का मंदिर, साई मंदिर, दल सागर तालाब, गुढ़ी गुफा, मोहम्मद शाह वली की मजार, कत्यानी सिद्धपीठ, और अगला है आधे गांव का किला। एक जानकारी आपके लिए और है, सिवनी अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक यहाँ पे औद्योगिक इकाई स्थापित की गई है सिवनी में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए, और उस जगह का नाम है बंघोल। बंघोल सिवनी की औद्योगिक इकाई है। पेंच नदी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से तोतला डूबान बनाया गया है सन 1984 में, तो पेंच नदी पे बनाया गया है, और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था, वहां पर एक बांध भी बनाया गया है 1984 में, और उस बांध का नाम है तोतला डो बांध। एक फैक्ट और आपके लिए है, यहां पर अमोदागढ़ व सोना रानी का महल है। अमोदागढ़ व सोना रानी का महल, टेम्पल से रिलेटेड सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों ये था सिवनी जिले के बारे में संपूर्ण विश्लेषण। हमने अभी तक जबलपुर संभाग में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी को कवर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिंडोरी, मंडला व बालाघाट जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों
आपको यदि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, हमें सुझाव दें कि हम और इसे कैसे बेहतर कर सकें। ये चैनल मेरा बस नहीं, ये चैनल हमारा और आपका है और ये आपके सहयोग से ही बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।